हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 11 करने वाले हैं, क्लास 8th स्टूडेंट की 25 अगस्त की बच्चों वर्कशीट। ठीक है, डेट सभी बच्चे ध्यान से जरूर देखेंगे। कभी कुछ बच्चे क्या होता है कि आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारते हैं तो आपको लास्ट ईयर की वर्कशीट आ जाती है 2020 की बच्चों। ठीक है, तो आप लोग डेट जरूर ध्यान से देखेंगे। और बाकी गेम के बारे में आप लोगों को पता ही है, तो जो भी बच्चा गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता है और गिफ्ट जीतना चाहता है, वो बच्चा अगर पूरी वीडियो देखेगा तो ही उसे सारी चीज़ समझ में आएगी और क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आपका हिंदी, क्लास आपकी बच्चों 8th। ठीक है, हिंदी आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्कशीट नंबर आपकी 11 हो गई। ठीक है, अब देखिए आपकी डेट हो गई 25 अगस्त। ठीक है, अब यहाँ पे अपने नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लासेज का नाम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इतना करने के बाद आप लोग अपनी नोटबुक और पेन साइड में रख देंगे, जिससे हम लोग इस कहानी को समझ सकें और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर कर सकें। आप देखेंगे कि इसमें दिया गया है लाख की चूड़ियाँ। तो ये टॉपिक बच्चों हमारा पिछले कितनी वर्कशीट से चल रहा है, आई थिंक 4 वर्कशीट में कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ये अंतिम भाग पढ़ेंगे आज। ठीक है, इसमें देखो बताया गया है, प्यारे बच्चों आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामतानाथ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में अपनी पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कौन सा हुआ, अंतिम भाग हुआ। इसे पढ़ के हम इसके फिर बच्चों क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी ध्यान देंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा अभी देखो लिखेगा नहीं, उतारेगा नहीं। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे फिर इसको करेंगे। ठीक है, चलिए देखो। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूं तुमको। मैं चुप हो गया, मुझे वो दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है कक्का, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। फिर उसने बोला वाह वाह, वह हंस पड़ा बहुत तेज। फिर उसने बोला कि सहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चुगने आम एक बगत में खा जाता था। उसने कहा जब मैं तुम्हारी उम्र के था तो इसके 4 गुना आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी लल्ला, 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम उंगली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। ठीक है, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा। ठीक है, नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पछता चला गया। मुझे प्रशंसा हुई कि बद्दू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियाँ जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी लास्ट अंतिम थी, इसमें यही बताया गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक लेंगे, आप उतारेंगे ए फर्स्ट। ठीक है, आपको ये नोट डाउन करना है, लेखक के बचपन में मेब दलू लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था। ठीक है, सभी बच्चे फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे, तभी मैं आपको इसका आंसर करवाऊंगा बच्चों। ठीक है,
फटाफट सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा पता होगा कि लेखक के बचपन में बेलबंधु लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था, तो वो उसके लिए मलाई बचा कर रखता था बच्चों, ठीक है। मलाई बचा कर रखता था, आम उसे खाने को देता था पर मलाई उसके लिए बचा के रखता था, ठीक है। अब इसमें क्या, बदलू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिखाया, ठीक है, उसने उसे आम खाने के लिए दिखाया, ठीक है। बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा किसके लिए बनाया था, ठीक है, जमींदार की बेटी के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, बोल पड़ा ये आखिरी जोड़ा बनाया जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहाँ शहर से ले आओ, ठीक है। तो ये उसने किसके लिए बनाया था, रज्जो के लिए, ठीक है, तो जो उसकी बेटी थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे आम जब वो लेके आती है, ठीक है, इसी में आपका दिया गया है बच्चों, आप लोग देखोगे मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को पता चले। देखो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया आम ढेर सारे ले आई, ठीक है, इतने में रज्जो, ठीक है, रज्जो उसकी बेटी थी, ठीक है। तो ये आपका रज्जो आ जाएगा, ठीक है। गे अब चलते हैं इनके ऊपर, ठीक है। अब देखिए आंसर नंबर 4, इसमें आप लोग क्वेश्चन उतारेंगे, बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी, ठीक है। तो इसका मैं पहले आपको समझाऊंगा फिर आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें कहा गया है कि देखो कहाँ पे आई थी गाय की बात, इन्हें यहाँ पे गाय की बात ली थी, देखो ये गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेक दी, कहाँ से खिलाता, ठीक है, तो कहाँ से खिलाता। तो बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी, क्योंकि उसकी लाख की चूड़ियों को लोगों ने खरीदना बंद कर दिया था, बंद कर दिया था, दिया था, और फिर उसको गाय बेचनी पड़ी, ठीक है। आप पूरा लिखेंगे, क्योंकि उसकी लाख की चूड़ियों को लोगों ने खरीदना बंद कर दिया था और फिर गाय बेचनी पड़ी, ठीक है। देखो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया तो उसके पास फिर पैसे नहीं आएंगे, ठीक है, जब पैसे नहीं आएंगे तो वो अपनी गाय को क्या खिलाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी क्या गाय बेच दी, ठीक है। अब चलते नीचे, लास्ट दिया गया, लेखक ने बदलू के लिए ऐसा क्यों कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़िया जैसा ना था, ठीक है। देखो ये बात लास्ट में कही गई थी, देखो बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, बोल पड़ा ये आखिरी जोड़ा जमींदार की बेटी के लिए, 10 आने पैसे मुझको दे रहा था, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ, मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पछता चला गया, मुझे प्रशंसा हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था, इतनी आसानी से, ठीक है। तो ये वाला आएगा, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, ठीक है, ये आएगा। तो आप लिखेंगे, क्योंकि बदलू
ने हार कर भी हार नहीं माने, ठीक है, क्योंकि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। तो ये आपका फिफ्थ का आंसर था, ठीक है। अब देखिए आपको एक गतिविधि दी हुई है, ठीक है, आप लोग इसे भी करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे। निश्चित रूप से आपको भी आम बहुत पसंद होंगे, हालांकि अब आमों का मौसम जा रहा है, आपने भी कई प्रकार के आम खाए होंगे, लंगड़ा, दशहरी, देसी, सफ़ेदा, चौसा। आम के विभिन्न प्रकार के किस्मों के चित्र एकत्रित कीजिए, उन पर एक अनुच्छेद भी लिखिए, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आम के, क्या करने हैं आपको, आम के प्रकार लिखने हैं, ठीक है। देखिए आप आम के प्रकार सीधा लिख सकते हैं, यहाँ से दिए गए हैं, ठीक है। एक लिखोगे आप लंगड़ा, दशहरी, ठीक है। आमों के विभिन्न प्रकार के किस्मों के चित्र एकत्रित कीजिए, उन पर एक अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, देखो आप लोग सिर्फ चार डायग्राम बनाओगे, चार डायग्राम, ठीक है, आम के चार डायग्राम बनाओगे। और देखो सीधा आप लिखोगे नेट पे लंगड़ा, ठीक है, एक हो गया आपका। दूसरा आप लिख सकते हो देसी, ठीक है, फिर तीसरा लिख सकते हो चौंसा, ठीक है, फिर चौथा लिख सकते हो दशहरी। ये चार आम आप लिखेंगे नेट पे सर्च करेंगे और सीधा इनके फ़ोटो आ जाएंगे, ठीक है। चार आप डायग्राम बना देंगे, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद आपको उनके ऊपर अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। अनुच्छेद में देखो मैं बता देता हूँ आप क्या लिखेंगे, ठीक है। डायग्राम आप खुद बनाएंगे, अनुच्छेद में आपको बता रहा हूँ आप क्या लिखेंगे। ठीक है, देखिए आप सबसे लिखेंगे आप स्टार्टिंग से, आम फलों का क्या है, राजा है, ठीक है। अनुच्छेद लिखेंगे हम लोग, अनु ठीक है। देखिए आप यहाँ से लिखेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे आम फलों का राजा है, यह है भारत का राष्ट्रीय फल है, ठीक है। ये दो लाइन हो गई, फिर आप लिखेंगे यह है हरे नीले नारंगी जैसे रंगों में पाया जाता है, यह है हरे नीले आदि रंगों में पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। ये हो गए आपके तीन पॉइंट। अब देखिए यह है गर्मी के मौसम में आता है, किसमें आता है, गर्मी के मौसम में आता है, सभी इसे बड़े शौक से खाते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो देखा आपने, हमने अनुच्छेद लिखा, ये होपफुली सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इजी लगा होगा बच्चों, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, सभी बच्चे इसे कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे और वीडियो को पूरी जरूर देखेंगे और डेली वर्कशीट करेंगे, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन का पता लगा सको और उसका आंसर दे सको, ठीक है, और आपको गिफ्ट मिल सके, ठीक है। और 10 फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे और उन्हें सब्सक्राइब करने को बोलेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।